हाय गाइस, वेलकम टू हास निरुक चैनल में सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा पहला वीडियो है आज का, तो मैं आपको कैसे करना है, किस तरह करना, बहुत टेंशन से मैं वीडियो बना रही हूँ। बट होप आप सभी को पसंद आए मेरा वीडियो। मैं जो आपसे कहना चाहती हूँ, जो आप सभी को मुझे मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए। देखिए, सभी के घर में रूटीन लाइफ चलती है, सभी के घर में बहुत सारे टेंशन, सभी के घर में अदरवाइज बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। अपने को थोड़ा टाइम मिलता है तो अपन मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल देखते हैं। कुछ टाइम मिला तो अपन लैपटॉप पे बैठते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी अपन को एंटरटेनमेंट, जो भी मनोरंजन थोड़ा बहुत टाइम मिला तो अपन उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, टीवी वगैरह, मोबाइल्स, जो भी अपने, जो भी टाइम ज़्यादा जिस पे देते हैं उस पे। तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देखी, ये देखी, वो देखी, सबका अलग अलग चैनल था, सभी का अलग अलग वीडियो है, सभी का अलग अलग, कोई ये करता है, कोई वही करता है। तो मैं क्यों ना स्टार्ट करूँ, मेरे मन में भी वो आया था, मैं क्यों ना स्टार्ट करूँ, अपना खुद का एक चैनल क्यों ना बनाऊँ, अपने वीडियो जो जो मुझे नॉलेज है, जो मुझे मुझे जितना पता है उतना आप सबसे शेयर करो, इसीलिए इसी हिसाब से मैंने अपना खुद का एक चैनल बनाई हूँ। तो मेरे बेटे का नाम है हासनी, उसी के नाम पे मैंने चैनल स्टार्ट की हूँ। सो आज का मेरा पहला टॉपिक है, देखिए मैं अभी आपको एक कोइंसिडेंट बताती हूँ। कल तक जो भी मेरे घर में कुछ भी नहीं था, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं था, मैं डेली उठते मैं खुद ही झाड़ू पोछा सब करती हूँ। अचानक से मॉर्निंग में मेरे घर के सामने मधुमक्खी का छत्ता, विंडो खिड़की पे मधुमक्खी का छत्ता खिड़की पे दिखा अचानक से मेरे टीवी के फंडो। मैं मॉर्निंग होते जैसे मैं सुबह मॉर्निंग हो जाता है, सबसे पहले मैं विंडो निकाल लेती हूँ, विंडो क्लोज ओपन करती हूँ, सबसे पहले खोलती हूँ खिड़की विड़की। जैसे मैं खिड़की खोलने लगी, मेरे को अचानक से मधुमक्खी छत्ता दिखा, एकदम छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा। मैं एकदम शॉक, मैं बोली कल तक तो नहीं था, आज अचानक से कैसे आ गया बा? मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी, बा अचानक से कैसे आ गया बा, कल तक तो नहीं था। तो जैसे हम दोनों भी उसको देख कर बहुत टेंशन में हो गए, क्योंकि घर में छोटी सी बेटी है और फर्स्ट जैसे हॉल में विंडो है खिड़की, वो खिड़की के सामने एकदम मधुमक्खी का छत्ता, वही टेंशन में थे कैसे निकालना, कैसे करके, बहुत बड़ा है तो बहुत डर गए थे। फिर बहुत टेंशन टेंशन में था, कैसे करेंगे कैसे करके। तो उसको हमने हाथ नहीं लगे, जैसे कि वैसे ही रखी उसको। मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगी मधुमक्खी छत्ते के एंड में, आपको थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ वीडियो। अगर आप किसी को भी थोड़ा सा भी नॉलेज है मधुमक्खी छत्ते के बारे में, सिर्फ प्लीज़ मुझे शेयर करिए। मैं एक्चुअली मुझे भी तो कुछ पता नहीं, आप सभी को अगर किसी को भी नॉलेज होगा तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप, मुझे मेरा जो कमेंट सेक्शन में है, सभी यूट्यूब कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज करिए। तो देखिए अभी देखिए, मुझे आज एक सब थोड़ा सीखने को मिला, कल तक कुछ नहीं था, आज अचानक से 12 घंटे में मधुमक्खी का छत्ता बन गया, ऑलमोस्ट ओवरनाइट, 12 घंटे भी नहीं। मुझे लगता है मैं कल इवनिंग में भी फोर ओ क्लॉक मैंने विंडो क्लोज, तब तक कुछ नहीं था, 4 बजे तक कुछ नहीं था, शाम के रात में ही इतना मधुमक्खी का छत्ता जमा कर लिया, अपना घर भसा लिया उसने हमारी विंडोज़ की तरफ। तो देखिए घर संसार भी ऐसा चीज़ है, पैसा भी ऐसा चीज़ है कि कब कैसा होता है पता नहीं। इसलिए जो भी अपने पास अपने फाइनेंशियल इशू, जैसे अपने घर में सैलरी आती है, जैसे अपने घर में कुछ भी सैलरी, मंथली सैलरियाँ आती हैं, किस चीज़ पर इन्वेस्ट करना, कैसे करना, किस चीज़ से अपने को कितना इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर कितना खर्च करना, कहाँ पर नहीं खर्च करना, किस चीज़ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होना, किस चीज़ पे नहीं होना, यही मेरा आज का पहला टॉपिक है। क्योंकि देखिए 12 घंटे पहले कुछ नहीं था, 12 घंटे बहुत मधुमक्खी के छत्ता आ गया घर पे, तो कैसे क्यों कैसे आया वो भी एक पता नहीं सकते, आ चुका है। अपनी लाइफ में वैसी चीज़ बता के कोई नहीं आता, ऑटोमेटिक आ जाता है, आने वाले प्रॉब्लम बता के, आज मैं अच्छी हूँ, एग्जाम्पल आज मैं अच्छी खासी सबसे बात करूँ, कल होना ना किसी के साथ, कल रहेंगे कि नहीं, आज है तो आज जो है अपना खुल के जिए, खुल के, आने वाला क्या किसको भी नहीं पता। इसीलिए जो भी पैसा आता है किस में इन्वेस्ट करना, कैसे चीज़ पे इन्वेस्ट करना, किस पे नहीं करना, ये अपने को नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैं ये जो वीडियो मैं आप लोग आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत लोग में सभी गरीबी की गरीबी परिस्थिति सभी घर में, क्योंकि किसके पास नॉलेज नहीं, किस चीज़ में पैसे कहाँ रखेंगे तो पैसा डबल होगा, कैसे होगा, कैसे चीज़ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, किस चीज़ पे नहीं करना चाहिए, कैसे करें, किस तरह अपनी परिस्थिति है, कैसे अपनी परिस्थिति को ठीक करें। अपने माँ बाप को अपन देख, बचपन से अपने मम्मी पापा को देख देख के पड़े हो गए,
अपन उसी इसमें जिएंगे कि उससे आगे बढ़ेंगे? वो लाइफ से तो जी नहीं सकते ना, उससे आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि अभी की लाइफस्टाइल में पहले की लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क है। अभी की लाइफस्टाइल में पहले की लाइफस्टाइल में, पहले की लाइफस्टाइल में 1000 रुपये में अच्छे से जी लेते थे। पूरा किराना आता था, टोटल चावल दाल गेहूँ सब, ऑयल तेल वगैरह सब आता था। मेरे को मुझे जितना पता है 1000 रुपीज़ में पूरा किराना आता था। अभी ऑलमोस्ट 5000, 6000, 7000 भी लेके ना किराना नहीं आता, जो अपने को अच्छा है। जो मिडिल क्लास फैमिली को 3000 तो 100% लगता है, 200-300 थाउजेंड। अब जो पीपल जिसकी घर में मेंबर इंसान को देख के किराना लगता है, दो व्यक्ति का है तो 3000 2000 में हो सकता है, चार व्यक्ति का 4000 लगते हैं। क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे अपनी ख्वाहिश बढ़ रहे हैं। उसी तरह अपनी सेविंग क्यों नहीं बढ़ाते, अपनी सेविंग को क्यों पीछे रखते हैं? सेविंग को भी बढ़ाना चाहिए ना। जब अपन अगर 10000 कमा रहे हैं, क्यों ना 9000 खर्च करके 1000 क्यों ना सेविंग करें? पूरा 10000 तो खर्च नहीं करना ना, 1000 तो सेविंग करना चाहिए ना। क्यों ना अपन क्यों ना स्टार्ट करते, आज से क्यों ना स्टार्ट कर सकते हैं? जब अपन सेविंग ही करेंगे, वो पैसा किस पे सेविंग करें? अपने ऊपर, अपने बच्चे के ऊपर, अपने फैमिली के ऊपर ही सेविंग करेंगे ना, अदर पर्सन के ऊपर नहीं कर सकते ना। कैसे करें, किस तरह सेविंग करें, उसका एक मैंने एक वीडियो बनाऊंगी, वो वीडियो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूंगी। किस चीज़ पे करना चाहिए सेविंग, किससे कैसे सेविंग करना, अपनी सैलरी क्या है, अपनी सैलरी के हिसाब से सेविंग कैसे करना चाहिए, मैं उसका वीडियो 100% आपसे शेयर करूँगी। और मैं शायद से इसके बाद ही मैं वीडियो बनाऊँगी तुरंत, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि छोटी बेबी है, मैं 8 मंथ बेबी है, तो मुझे उनको भी देखना पड़ता है, मैं वीडियो बनाने को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे भी। तो ऑब्वियस मैं आप सभी, मेरे जितना मुझे पर्सनली नॉलेज है मैं आप सभी को दूंगी। ऑब्वियस आपको अगर थोड़ा सा भी थोड़ा नॉलेज, आपको भी थोड़ा कुछ पता होगा मधुमक्खी छत्ते के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। गाइस देख रहे हैं हमारी खिड़की है, खिड़की पे मधुमक्खी का छत्ता लगा चुका है। गाइस सब देख रहे हैं, बहुत बड़ा छत्ता है, और इसे अब आपको दिख रहा होगा खिड़की के बाजू में, हमारे टीवी के साइज में बाजू में एक विंडो है, उधर साइड एक मधुमक्खी का छत है। सो बहुत डर लग रहा है गाइस, क्या होगा, बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि छोटी बच्ची है घर पे। सो किसे कैसे निकालना कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। सो आपको अगर कुछ आइडिया है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज ज़रूर करना। सो मैं सभी की रिक्वेस्ट करती हूँ, कि डर तो बहुत लग रहा है, देख देख रहे कितना भयानक है, दिखा रही हूँ मेरे, देख रहे हो आप वीडियो।